We will study about the focal length of spherical mirror. So this is article number 9.2.2. This is the focal length of spherical mirrors. This video include the focal length of spherical mirrors. We will discuss about the focal length of spherical mirrors. So here on so initially we will start discussing this topic in a way कि पहले आपको ये समझना होगा कि जो स्फेरिकल मिरर के बारे में हम बात कर चुके हैं, स्फेरिकल मिरर्स, ओके, ये कैसे होंगे? कर्व्ड होंगे. दे आर कर्व्ड सर्फेसेस. दे हैव कर्व्ड सर्फेसेस, राइट? एंड देन दिस स्फेरिकल मिरर्स फर्दर आर ऑफ टू टाइप्स. जो स्फेरिकल मिरर्स होंगे ये दो तरह के होंगे. एंड these spherical mirrors are of two kinds, and one is the concave spherical mirror and another one is the convex spherical mirror. So one is the concave spherical mirror. Concave spherical mirror, and second is the convex spherical mirror. This is convex spherical mirror. One is a concave spherical mirror, and another one is a convex spherical mirror. Right? So we do have very important assumptions for these two. टू अंडरस्टैंड दिस टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को समझने के लिए हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अजम्पशन लेनी है कि जो रे का हम इस्तेमाल करेंगे, हमने रे और बीम की कल बात की थी, तो जो रे हम इस्तेमाल करेंगे रे वो कौन सी होगी? पैराक्सियल रे होगी. दिस इज पैराक्सियल रेज. सो आपको पैराक्सियल रे को समझना पड़ेगा. सो पैराक्सियल रेज क्या होती है? ऐसी रेज होती है जो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक कर्व सरफेस है और इस कर्व सरफेस में जो ये वाला पॉइंट है वो कोई, इसका जो ज्योमेट्री का जो सेंटर होगा उसको हम पोल बोलेंगे, और इस पोल के जो बिल्कुल पास ट्राई करते हैं, जिसमें जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है दैट इज क्लोज टू द पोल, द रेज इन विच द point of incidence is close to the pole. Okay? ये देखिए रे ऐसे जा रही है और बिल्कुल इसका जो point of incidence है पोल के बिल्कुल पास है, right? So such rays are called paraxial rays. और इसकी एक और property हम आपके साथ इसकी चर्चा करेंगे. इसका जो principal axis होगी वो कुछ इस तरीके से होगी. This is the principal axis. Right? So, ये आपको समझना है. नंबर वन, सो पैराक्सियल रेज क्या होती है? पैराक्सियल रेज आर द रेज दोज स्ट्राइक वेरी क्लोज टू द पोल, नंबर वन. दूसरा, एंड मेक इंसिडेंट वेरी close to the pole. To the pole and make very small angle with angles with principal axis. और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ
बहुत छोटे छोटे एंगल्स बनाती है। इस अजम्पशन के ऊपर ही हम अपना जो सारा टेक्स्ट है उसको हम पढ़ पाएंगे। ये अजम्पशन आपने ध्यान में रखनी है। जब हम रे की बात करेंगे तो वो पैराक्सियल रेज ही होंगी, वन थिंग। अब हम आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, उसकी हेल्प से ही हम इसको पढ़ पाएंगे। हम एक इमेज ऐड करते हैं और उस इमेज ऐड करने के बाद हम आपको साथ कुछ और चर्चा करना चाहते हैं। देखिए, अब हम ये देखते हैं, सबसे पहला केस हमारे पास होगा केस नंबर वन। यदि एक ये आपके पास है, जो हमने बात किया कि हमारे पास एक कॉनवे कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस होगा और एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस होगा, और ये जो रेज टकरा रही है इस सरफेस के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, ये रेज होंगी पैराक्सियल रेज, राइट। स्टार्टिंग विद के एक तरीके का जो सरफेस होता है वो होता है कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है, ये कॉनकेव है, और ये वाला जो सरफेस है ये सरफेस है कॉनवेक्स स्फेरिकल सरफेस, दिस इज कॉनवेक्स स्फेरिकल सरफेस। अब आपको पहचान और डिफरेंस भी करना है। डिफरेंस ये है कि जो कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस होता है उसका जो बाहर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट देखिए, ये पॉलिश्ड होता है, और इसका जो अंदर वाला पार्ट होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है, और जो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है उसका जो इनर पार्ट होता है वो पॉलिश्ड है। आपने देखा, आपने मुंह शीशा जिसमें आप मुंह देखते हैं उसमें अंदर वाला जो पार्ट है वो पॉलिश्ड होगा और बाहर वाला पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टिंग होगा। आगे देखिए, ये जो रे ऑफ लाइट है इसमें, ये इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गया जिसको हम पोल बोलते हैं, और यदि इस कर्व वाले पार्ट को पूरा करें, यदि हम इस कर्व को पूरा करें तो ये गोला बनेगा। जैसे आप यहाँ देखिए, आप एक एक किसी को कर्व को ले लीजिए, देखिए ये गोला बनेगा ऐसे करके, और इसमें से यदि हम मान लो कि इतना इतना पार्ट, हम फिगर नंबर ए में देख लीजिए, इसका हमने इतना इतना पार्ट जो है वो चूज़ किया हुआ है, दिस पार्ट वी हैव चूज़न, इतना पार्ट हमने चूज किया हुआ है, ओके और यदि मान लो आप इस पार्ट को आप पूरा करते हैं तो इस तरीके का गोला बनेगा, और उसी का नाम होता है सी, दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस कर्व का जो जो इस ज्योमेट्री है, मिरर की जो ज्योमेट्री है, इसका जो सेंटर, इसको बोलते हैं हम पोल। अब यदि इन दोनों को आपस में मिला दें, यदि हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिला देते हैं, ओके, तो इससे बनती है प्रिंसिपल एक्सिस। सो इज द केस, यहाँ जब हमने सी को पी के साथ मिला दिया तो ये जो एक्सिस बनेंगी इसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस, दिस एक्सिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, ये एक्सिस हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर हो गया? आप देख रहे हो कि जो रे ऑफ लाइट है वो यहाँ से जा रही है, इस पॉइंट के ऊपर टकरा रही है, इस पॉइंट पर टकराने के बाद ये रे ऑफ लाइट जो है वो फोकस से गुजर रही है। सी केयरफुली, यहाँ से रे ऑफ लाइट है वो यहाँ से जा रही है, यहाँ टकरा रही है, और टकराने के बाद वो फोकस से गुजर रही है, दिस इज देन पासिंग थ्रू द फोकस। इस रे ऑफ लाइट को देखिए, हर रे ऑफ लाइट जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, इट इज देन पासिंग थ्रू द फोकस, बाद में वो फोकस से गुजर रही है। यहां देख लीजिए, ए रे ऑफ लाइट इज गोइंग टू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड देन इट इज पासिंग थ्रू द फोकस। सी केयरफुली, सो दिस इज द वे टू ड्रा द रे डायग्राम। ए रे दैट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल देन पास थ्रू द फोकस, सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। अब आपको आगे ये समझना है, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। ये कॉनकेव मिरर के लिए प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा, ऐसा पॉइंट जहां रेस जो है वो स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस के ऊपर टकराने के बाद एक पॉइंट के ऊपर जाके कन्वर्ज हो जाती है, मींस इकट्ठी हो जाती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। इन चीज़ों को ध्यान से समझना, बाकी आपको टेक्स्ट जो बड़े आराम से आ जाएगा। सो यहाँ से आपको, आपने क्या क्या सीखा,
एक आपने सीख लिया कि जो कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस क्या होता है, उसकी ज्योमेट्री के सेंटर को हम पोल बोलते हैं, इसको हमने पहले भी पढ़ रखा है, ये पॉइंट जो है वो पोल है, और जहाँ इस कर्व सरफेस का सेंटर बनता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ द कर्व, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ द कर्व, और जहाँ ये सारी रेज आके इकट्ठी होकर मिलती हैं उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, राइट, एंड दीज रेज आर द पैराक्सियल रेज, क्योंकि ये जो पोल के बिल्कुल साथ चक्राती है पैराक्सियल रेज, और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बड़े छोटे छोटे एंगल बनाती है, यहाँ से आपको ये सीखना है। अब हम चलते हैं कॉनकेव के बाद कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के ऊपर, तो यहाँ से हमने क्या क्या सीखना है। अब यहाँ से नया सीखने के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं होगा, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है उसका अंदर वाला पार्ट जो है वो पॉलिश होता है, इसका मतलब यहाँ से रे ऑफ लाइट क्रॉस नहीं करती। हम पहली रे ऑफ लाइट के ऊपर विचार करते हैं, देखिए ये रे ऑफ लाइट जाएगी, यहाँ से गई और इस पॉइंट के ऊपर टकराई, अब अंदर तो पॉलिश है तो ये अंदर तो आगे जा नहीं सकती, और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक कर गई और इस डायरेक्शन में वो चली गई। ओके, एक रे के बारे में पता चल गया। देखिए दूसरी रे ऑफ लाइट है, ये भी पैराक्सियल रे है, इस पॉइंट के ऊपर टकराई और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट करके इस पॉइंट पर चली गई, राइट। थर्ड रे ऑफ लाइट जो है यहाँ टकराई और उसके बाद वो इस डायरेक्शन में चली गई, देखते जाइए, और ये देखिए ये रे ऑफ लाइट है यहाँ टकराई, ओके, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और वो इस डायरेक्शन में चली गई, राइट। ये सब कुछ कैसे होता है इसकी हम चर्चा करेंगे आपके साथ, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो रे ऑफ लाइट यहाँ गई, जिस एंगल पर गई उसी एंगल पर वापस आ गई, ये देखिए फिर वापस भी आ गई, यदि जीरो एंगल के ऊपर टकराई तो जीरो एंगल के ऊपर वापस आ गई। अब हमने इसमें ये क्या देखा कि ये रे ऑफ लाइट के अंदर का पार्ट पॉलिश्ड है, तो ये मीडियम अपना चेंज नहीं कर सकती, रिफ्लेक्शन में रे ऑफ लाइट अपना मीडियम चेंज नहीं करती है, वो रेयरर मीडियम में होगी तो रेयरर में रहेगी और डेंसर में होगी तो डेंसर में रहेगी, बट इट विल नॉट चेंज द मीडियम, इसको हम टेक्स्ट में आगे हम आपके साथ चर्चा करेंगे। अब यदि आप इस कर्व सरफेस को पूरा करें, यदि आप इस कर्व सरफेस कुछ इस तरीके से लेते हैं, हम ये सरफेस को हम ऐसे करते हैं, और ये वाला पार्ट जो है जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं, ये वाला पार्ट हुआ है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये देखिए ये वाला पार्ट जो हमने चूज किया हुआ है, यदि आप इसको इस तरीके से आगे पूरा करेंगे तो इसका कर्व इधर को आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर फिर दोबारा बन जाएगा, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो ये वाला पार्ट है, ये सेंटर ऑफ द कर्व, कोई भी कर्व पार्ट होगा उसका हमेशा सेंटर जरूर बनता है, जैसे आप छोटा सा भी ऐसे गोल कर दें तो ऐसे पूरा गोला करेंगे तो सेंटर मिल जाएगा, सो दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो ये जो डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ द कर्व यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द कर्वेचर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड आर, राइट। सो दिस डिस्टेंस पी और एफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस है पी और एफ के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, दिस इज कॉल्ड एफ, राइट। अगली स्टेज पर जब हम चलेंगे तो हम इसमें ये देखेंगे कि यहाँ तो जो रे ऑफ लाइट है, जो आपका जो डायग्राम नंबर ए है उसमें कहते हैं कि जो रे ऑफ लाइट इज गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, डायग्राम नंबर बी में आप देख रहे हो रे ऑफ लाइट इज गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बट दिस इज ऑल्सो पॉसिबल यदि आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो, क्योंकि वो पैराक्सियल रे है तो वो क्या कर सकती है, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भी आप उसको फेंक सकते हैं, इट कैन गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और इसकी डेफिनेशन को यदि हम पूरा करें इट कैन मेक स्मॉल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो थोड़े एंगल भी बना सकती है, सो दिस इज अनदर डायग्राम नंबर सी, हियर सी इन दिस डायग्राम, यहाँ जो रे ऑफ लाइट है वो जा रही है, देखिए अब ये पैरेलल नहीं जा रही है, इट इज मेकिंग सम एंगल एंड स्ट्राइकिंग एट दिस पॉइंट, और स्ट्राइक करने के बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते करते
वो इस डायरेक्शन में वापस जा रही है। आप क्या देख रहे हैं? ये दूसरा पार्ट देखिए जरा। ओके, और ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पासिंग थ्रू पॉइंट पी, राइट। और ये देखिए, ये वाला पार्ट जो है, ये तो चलो इसकी कोई बात नहीं, इतना ज़रूरी नहीं है, ये नॉर्मल ड्रॉ किए हैं। अब देखिए कि ये जो रेज है ना, वो यहाँ से क्रॉस हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि ऐसे जा रही है और यहाँ से ऐसे जा रही है। ये इस प्लेन से गुजर रही है, दिस इज क्रॉसिंग थ्रू दिस प्लेन, एंड फ्रॉम हियर इट इज़ कमिंग आउटसाइड। ये डाइवर्ज हो रही है, इस पॉइंट से बता रहा है कि कन्वर्ज हो रही है, और ये पॉइंट बता रहा है ये डाइवर्ज हो रही है। तो इसमें क्या प्रोसेस हो रहा है? ईदर देयर इज कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, वॉट यू आर वॉचिंग, ईदर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। वेदर द रे इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, इट अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकल, दिस प्लेन, वो इस प्लेन से हो रही है। ये देखिए, इस प्लेन में से गुजर रही है, दिस इज पासिंग थ्रू द प्लेन, इस प्लेन से गुजर रही है, देखिए इस प्लेन से गुजर रही है, देखिए यहाँ से ही गुजरी है दोनों। सो ये प्लेन जिसमें से इंसिडेंट रे जो कन्वर्ज हो रही है, या जो जो रे डाइवर्ज हो रही है, जो इस प्लेन से गुजर रही है, और एक ये प्लेन बनाया कहाँ है? ये प्लेन बनाया है इस पॉइंट के ऊपर, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर। जो प्रिंसिपल फोकस के ऊपर आप एक प्लेन बनाएं विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उसमें से यदि रे कन्वर्ज होती है या डाइवर्ज होती है, तो उस प्लेन को हम बोलते हैं फोकल प्लेन। प्रिंसिपल फोकस के ऊपर यदि आप एक प्लेन बनाएं, उसके बीच में से रे को आप गुजरता हुआ दिखाएं या बाहर निकलता दिखाएं, उस प्लेन को हम बोलते हैं फोकल प्लेन। से कुछ एक बेसिक ABCD थी इस टेक्स्ट की, और उसके बाद अब हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके लिए हमें अगले पेज पर चलना पड़ेगा। सो वी विल नाउ शिफ्ट टू अनदर पेज। ओके, हम एक डायग्राम आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले जो रिक्वायर्ड डायग्राम होगा इसके लिए, ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड डायग्राम फॉर अस फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। हमारे पास होगा रिलेशन बिटवीन, नाउ ए रिलेशन बिटवीन, पेन का रंग बदलना पड़ेगा, ए रिलेशन बिटवीन, बड़ा इंटरेस्टिंग और आसान लगेगा आपको, ए रिलेशन बिटवीन focal length and a radius of curvature. A relation between focal length that is F and radius of curvature that is R. तो इसके लिए हम सबसे पहले एक ray diagram बनाते हैं। ray diagram आपके सामने है। ये बना कैसे, इसकी हमने चर्चा करनी है। देखिए, आपके पास सबसे पहले कॉनकेव मिरर जो बाहर से पॉलिश्ड है, और उसका अंदर वाला पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टिंग है। ओके, उसके बाद हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, उसका ज्योमेट्री का सेंटर ढूंढेंगे और उस पॉइंट को हम पी मार्क कर देंगे, दिस इज कॉल्ड पोल। ओके, फिर हम उसमें से उसका जो कर्व पार्ट है उसका सेंटर निकालेंगे, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा अगला स्टेप होगा, इस कार सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल के साथ मिला देंगे, और इससे हम जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस लोकेट कर लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपके पास आ जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमारी अरेंजमेंट जो है वो फाइनल हो गई। हमने कॉनकेव मिरर को यहाँ रख दिया, और प्रिंसिपल एक्सिस को हमने लोकेट कर लिया। हमने क्या किया, अब एक रे ऑफ लाइट सेलेक्ट की, दैट इज पैराक्सियल रेज, which in which the ray will fall very close to the pole,
अब आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो कुछ इस तरीके से जाएगी, ये देखिए इस पॉइंट से रे ऑफ लाइट जा रही है एंड इट इज़ नाउ गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये यहाँ टकराएगी, ओके ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अब सवाल ये है कि जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्ट करने के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो एंगल आई होता है वो एंगल आर के बराबर होता है। इसके लिए आपको नॉर्मल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो एंगल आई है और एंगल आर है ये दोनों नॉर्मल के साथ, नॉर्मल ऑफ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के साथ बनते हैं। तो यदि इस पॉइंट के ऊपर आपकी रे स्ट्राइक कर रही है, इस पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक कर रही है, इस पॉइंट के ऊपर सबसे पहले आपको नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपको ढूंढना पड़ेगा। और कल हमने इस बात की आपके साथ चर्चा की थी कि यदि आप किसी कर्व सरफेस के ऊपर नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ढूंढना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको उस पॉइंट के ऊपर क्या करना पड़ेगा, एक टेंजेंट खींचना पड़ेगा, आपको एक टेंजेंट खींचना पड़ेगा, टेंजेंट टू द पॉइंट, आप ऐसे एक टेंजेंट टू द पॉइंट खींचेंगे, राइट। इस टेंजेंट को आपने एक टेंथ में एक थ्योरम पढ़ा है कि यदि आपके पास एक कोई सर्कल है, आपका जो प्रीवियस नॉलेज है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, एक आपके पास सर्कल है और उस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, आप टेंजेंट खींचते हैं, दिस इज द टेंजेंट टू द सर्कल एंड फॉर एग्जांपल दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब आपका जो टेंजेंट वाला पॉइंट पी है, यदि आप इस पॉइंट को सर्कल के सेंटर के साथ जोड़ देते हैं देन दिस एंगल इज 90 डिग्री, देन दिस एंगल इज 90 डिग्री, ओके। तो हमें इस पार्ट में आगे बढ़ने से पहले हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि क्या हमें नॉर्मल का, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पता है। तो ये एक कर्व सरफेस है, इस तरीके से एक कर्व सरफेस है, हमने यहाँ टेंजेंट खींचा और टेंजेंट को हमने सेंटर ऑफ द कर्व सरफेस से मिला दिया, इसका मतलब अब ये क्या है, ये नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। सो दिस लाइन इज ये वाली जो लाइन है ये है नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हमने अब नॉर्मल ढूंढ लिया, इसका मतलब अब क्या हुआ कि जब हमारी रे ऑफ लाइट जो है वो यहां से स्ट्राइक कर रही है, ये जो हमारे रे ऑफ लाइट है अब यहाँ से यदि इस पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक कर रही है तो स्ट्राइक करने के बाद ये जो एंगल बना ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, दिस एंगल इज एंगल आई इज, एंगल आई इज इक्वल टू थीटा। तो एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस मीन्स एंगल आर विल हैव टू बी थीटा। आपको डायग्राम थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हो गया होगा, इसलिए यदि ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा क्योंकि रिफ्लेक्शन वाला एंगल है और ये क्या है, ये नॉर्मल है, ओके दिस इज द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। और से देखिए, आप देखिए कि जो इसको मैं मार्क कर देता हूँ पी एम ए, ए मार्क कर देते हैं हम इसको, जो रे है ए एम एंड सी डी आर पैरेलल, अभी देखते चले जाइए, रे ए एम इज पैरेलल टू सी डी, इस जस्ट मैथमेटिक्स चला हुआ अभी, इसका मतलब ये जो एंगल होगा ये तो अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, ये देखिए ऐसे ही सिचुएशन है ना। तो यदि ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्लियर हो गया, इसका मतलब यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। अब आपको डायग्राम समझ आ गया, अब हम चलते हैं आगे, अब अभी कुछ हम और करते हैं, ये मैथमेटिक्स है जस्ट। अब चलिए, आपके पास है कुछ ट्रायंगल, आपके पास इस तरीके की बन रही है, एक और दो और ये तीन, एक कलर कुछ अब पता नहीं आपको समझ दिख रहा है कि नहीं, हम दोबारा बना देते हैं, एक
और ये दो और ये थर्ड साइड, ये ट्रायंगल बन रही है। इस ट्रायंगल के बीच में देखिए, ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, राइट। सो मैं यहाँ लिखूँ इस एंगल को, मान लूँ मैं एंगल नंबर 1 है, और इसको मैं मान लूँ एंगल नंबर 2 है, और इसको मैं मान लूँ एंगल नंबर 3 है। मैं ऐसे लिखूँ एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 2 प्लस एंगल नंबर 3, 180 आएगा। और ये इसको मैं आगे कर दूँ स्ट्रेट लाइन, ये वाला एंगल अननोन मान लूँ, तो एंगल अननोन प्लस एंगल नंबर 3 भी 180 आएगा, ऐसा ही आएगा, स्ट्रेट लाइन है। तो आप देख लीजिए, यदि इनके राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। दिस मीन्स एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 2 प्लस एंगल नंबर 3, एंगल अननोन जो आपको चाहिए प्लस एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 3 से एंगल नंबर 3 कैंसिल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अननोन एंगल है ये वाला, ये होगा पहले और दूसरे एंगल का जोड़। फर्स्ट एंगल इज थीटा, सेकेंड एंगल इज थीटा, दिस मीन्स अननोन एंगल विल बी 2 थीटा। अब आपको ये भी क्लियर हो गया कि यहाँ 2 थीटा क्यों लिखा है, राइट। अब ये जो डिस्टेंस है आपके पास, दिस डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस डिस्टेंस एंड सेकेंड इज दिस डिस्टेंस, ये वाला जो पार्ट है वो फोकल लेंथ है, और ये वाला जो पार्ट है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसके बीच में हमने रिलेशन निकालना है। अब यदि आपको इतनी कहानी समझ आ गई है, तो आगे वाली चीज़ को आप बहुत उसका मैं आप मनोरंजन करेंगे। हम आपको लिए चलते हैं इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल सी एम डी, सी एम डी विच इज राइट एंगल एट डी। सो वी विल टेक टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज एम डी अपॉन सी डी, इक्वेशन नंबर 1, राइट। सो इन ट्राइंगल अनदर ट्राइंगल एफ एम डी, हेयर इज टेन 2 थीटा इज इक्वल टू एम डी अपॉन एफ डी, इक्वेशन नंबर 2। एज इन पैराक्सियल रेस, एज इन पैराक्सियल रेस में क्या होता है, एंगल्स आर स्मॉल। यदि एंगल स्मॉल है तो हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा ओनली कॉमा टेन 2 थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 थीटा ओनली, राइट। सो आप ऐसा करिए, इक्वेशन नंबर 1 में आप लिख दीजिए थीटा इज इक्वल टू एम डी अपॉन सी डी एंड 2 थीटा इज इक्वल टू एम डी अपॉन एफ डी। अब आप इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप यहाँ लिख दीजिए 2 थीटा इज इक्वल टू 2 MD अपॉन सी डी, ये आप इसको इक्वेशन नंबर आप 3 मान लीजिए और इसको आप 4 मान लीजिए। अब यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, देखिए ज़रा क्या बनता है, एम डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू 2 MD अपॉन एम डी अपॉन एफ डी है, ये एम डी अपॉन एफ डी इज इक्वल टू 2 MD अपॉन सी डी, एम डी के साथ एम डी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1 अपॉन FD को ढूंढो बोला, यह आ जाएगा 1 अपॉन F इज इक्वल टू FD इज नॉट F। सो एज 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 हम यहाँ इसको ऐसे लिखते हैं एफ डी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ पी एंड सी डी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू सी पी, क्योंकि हम जो डिस्टेंस मापेंगे वो सारे पोल से मापेंगे, तो
तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, हम कैसे लिख सकते हैं, वन अपॉन एफ पी इज इक्वल टू टू अपॉन सी पी, उल्टा कर दीजिए, एफ पी इज इक्वल टू सी पी बाई टू। यहाँ देखिए जरा एफ पी, ध्यान से, एफ पी इज इक्वल टू एफ, एफ पी इज इक्वल टू एफ एंड सी पी इज इक्वल टू आर, इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई टू। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द टू दैट इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर अस। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एंड देन नाउ वी विल शिफ्ट अवर डिस्कशंस टू द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ फॉर द कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस विद द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ओके, पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। तो यू नो अबाउट द मिरर एंड एज वी हैव डिस्कस दैट कि मिरर दो तरीके के होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। सो ये हमारे जो स्ट्रक्चर है, ये फिगर में जो बताया गया है, ये कॉन्वेक्स मिरर रहेगा। सो दिस फिगर कॉन्वेक्स मिरर जो है उसका जो ये वाला जो पार्ट है स्काई ब्लू टाइप आप देख रहे हैं, इसका जो इनर पार्ट होगा वो पॉलिश्ड होगा और जो आउटर पार्ट होगा वो रिफ्लेक्टिंग होगा। और इस इमेज के जो मिरर है इसकी जो ज्योमेट्री है, इस ज्योमेट्री का जो मिडल पॉइंट होगा, दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड द पोल ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, राइट। और इस जो कर्व सरफेस का को यदि हम ऐसे कंप्लीट करते हैं, तो इसको कंप्लीट करने के बाद इसका एक सेंटर निकल कर आएगा, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो ये वाला जो पॉइंट रहेगा हमारे पास, इसको तो हम बोलेंगे पोल, और इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कर्व का सेंटर हो जाएगा। ओके, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द कर्व, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो अब यदि हम एक पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को यदि हम मिला देते हैं, विल कनेक्ट पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन वट विल सी, आपके पास एक ये जो लाइन बनेगी, यू विल गेट ए लाइन एंड दिस लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस। आपको हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करनी है। उसके बाद अब हमारा जो ये स्ट्रक्चर है, ये जो ज्योमेट्री है, वो तैयार है, हम शुरू करते हैं। अब पहले हम रे डायग्राम बनाते हैं इसके लिए। सो जो रे डायग्राम में सबसे पहले क्या होगा, हम एक लेंगे, इस पॉइंट को मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और इस पॉइंट को मैं ए मार्क कर देता हूँ। फ्रॉम पॉइंट ए रे ऑफ लाइट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे ऑफ लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है और इसका जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा यहाँ, वो एम पॉइंट के ऊपर टकराती है। ओके, और ये आपका हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दैट इज एम। ओके, अब जब रे ऑफ लाइट इस पॉइंट पर जाकर टकराती है एम के ऊपर, सो हम क्या करेंगे, हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो एंगल आई होगा वो एंगल आर के बराबर होगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा नॉर्मल के साथ बनता है, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के साथ बनता है। यदि आपको ये पॉइंट एम है, इसके ऊपर आपको नॉर्मल खींचना है, तो इसके हम प्रीवियस आर्टिकल में भी आपके साथ चर्चा कर चुके हैं, हम एक बार फिर से इसको दोहरा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक स्फेरिकल शेप है और उसमें किसी पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट खींचते हैं, ये आप एक टेंजेंट खींचते हैं, इस टेंजेंट को यदि आप सेंटर के साथ मिला देते हैं, इफ़ यू कनेक्ट दिस पॉइंट विद द सेंटर ऑफ द सर्कल, यदि आप सेंटर ऑफ द सर्कल के साथ इसको मिला देते हैं, बट विल हैपन देन, यहाँ जो है वो एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास जो कर्व सरफेस है इसका सेंटर यहाँ है। यदि मैं M को C से मिला देता हूँ और इसको आगे तक बढ़ा देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, नॉर्मल एट दिस पॉइंट, दिस इज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ ये जो सरफेस होगा ये 90 डिग्री का एंगल बना देगा, मैं
आपको यहाँ से बना देते हैं हम कि ये कुछ इस तरीके का बनेगा। ये देखिए, ये टेंजेंट हो जाएगा। इस टेंजेंट को आप यहाँ सी के साथ मिला देंगे तो ये पॉइंट जो है इसके ऊपर अब ये नॉर्मल हो जाएगा। अब आप देखिए, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो हियर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो दिस इज ऑल्सो थीटा। सो ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। अब चलते हैं हम आगे। देखिए, जो रे ए एम है और जो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, राइट। सो इफ दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल, इसका ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा ये भी थीटा ही होगा। और ये जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होंगे, ये एंगल थीटा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यदि एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, ओके। अब ये वाला जो आपके पास, अब ट्राइंगल में चलते हैं हम। इन ट्राइंगल, पहले हम इसकी ज्योमेट्री को पढ़ लेते हैं। इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एफ एम सी, राइट। जो एंगल है एम एफ डी, ये क्या है, ये एक्सटर्नल एंगल है इस ट्राइंगल का। सो जो एक्सटर्नल एंगल है ना, एंगल एम एफ डी, ये किसके बराबर होगा, दिस इज द सम ऑफ द टू फार इंटरनल एंगल्स। जो दूर के जो इंटरनल एंगल्स हैं इन दोनों का जोड़ हो जाएगा, इसका और इसका। तो मैं इसको लिख दूंगा, दिस इज, मैंने आपको इसको समझा रखा है पहले, ये भी हो जाएगा थीटा प्लस थीटा। सो दिस एंगल एम एफ डी इज इक्वल टू टू थीटा। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस एंगल किस तरीके से टू थीटा है, ओके। सो नाउ वी चूज द ट्राइंगल। नाउ इन ट्राइंगल, अब हम करते हैं इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल विच इज इन राइट ट्राइंगल डी एम एफ। सो एंगल डी इज 90 degree, विच इज राइट एंगल एट डी। आप यहाँ से निकालिए टेन थीटा, दिस इज टेन टू थीटा इज इक्वल टू, राइट, ये टू थीटा वाले ट्राइंगल होगी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ ऐसे करके, ओके। दिस एंगल इज टू थीटा एंड दिस इज एम एंड दिस इज डी दिस इज एफ। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। सो दिस इज एम डी अपॉन डी एफ, दिस इज एम डी अपॉन डी एफ, राइट, दिस टेन टू थीटा। एंड फिर आप चलिए इन ट्राइंगल, आप अगले ट्राइंगल लीजिए ना। इन ट्राइंगल डी एम सी, इन ट्राइंगल डी एम सी, वंस अगेन एंगल डी इज 90 degree। यहाँ से फिर आप निकालिए, यहाँ जो एंगल है एंगल एम सी डी इज इक्वल टू थीटा। सो यहाँ से आप निकालिए टेन थीटा, टेन थीटा इज नाउ इक्वल टू, अब आपके पास जो ट्राइंगल है ये है डी एम और सी। सो टेन थीटा इज इक्वल टू वंस अगेन एम डी अपॉन डी सी, एम डी अपॉन डी सी, राइट। सो दिस इज इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज इक्वेशन नंबर टू, ओके। सो हियर एस पैराक्सियल रेस, पैराक्सियल रेस ये अजम्पशन है हमारी, मेक्स वेरी स्मॉल एंगल्स एंगल्स विद प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो है वो स्मॉल एंगल्स बनाती है। सो आप लिख सकते हैं टेन थीटा, यू कैन चूज इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा कॉमा टेन टू थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टू थीटा, राइट।
So from equation number 1, from equation number 1 and 2, from equation number 1 and equation number 2, we have this 2 theta is equal to md upon df, and theta is equal to md upon dc. Okay, this is equation number 3 and this is equation number 4. Now equation number 4 cross 2, ye kya ban jayegi? 2 theta is equal to 2 md upon dc. This is equation number 5. So ab dekhiye, from equation 3 and 5, ye wala part bhi 2 theta, ये वाला पार्ट भी 2 थीटा, तो उसकी राइट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए. तो आप यहां लिख सकते हैं एम डी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू 2 एम डी अपॉन डी सी. एम डी से एम डी कैंसिल हो जाएगा. अब आपने क्या करना है कि जो डिस्टेंसेस है, यू हैव टू मेजर द डिस्टेंसेस फ्रॉम द You have to measure the distances from the pole. So आप ये कहें कि जो DF है, DF जो है वो लगभग PF के बराबर है, और जो DC है वो लगभग PC के बराबर है. क्यों? क्योंकि हमने जितना भी डिस्टेंस मापना होगा, हम तो पोल से मापेंगे, हम D से नहीं मापेंगे. तो ये जो डिस्टेंसेज है वो एक दूसरे के बराबर है, तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा चेंज कर देते हैं. मैं 1 बाय डी एफ की जगह 1 बाय पी एफ लिख सकता हूँ, और 2 अपॉन डी सी की जगह पी सी लिख सकता हूँ. आप इन्वर्ट कर दीजिए इक्वेशन, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इन्वर्ट हो जाएंगी. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ उल्टा करके, डी एफ इज इक्वल टू डी सी बाय 2. आप गौर से देखिए, आप डी एफ क्या है ज़रा देखिए. जो डी एफ है, डी एफ ये वाला पार्ट है, डी एफ, अब पी एफ, डी एफ अब पी एफ है हमारे पास. ये वाला जो पार्ट है ये पी एफ है, दिस इज पी एफ, दिस इज पी एफ, दिस इज पी एफ, दिस पार्ट इज पी एफ. ओके, सो अब आप ये देखिए जरा, जो आपका पी एफ वाला पार्ट है, ये जो है, दिस इज फोकल लेंथ, दिस पी एफ इज द फोकल लेंथ, दिस पार्ट इज फोकल लेंथ, एंड दिस अनदर पार्ट इज DC. This part is PC. Now this part is PC. This part is PC. How I have written it? So it is PC by 2. So we have to locate what PC is. This part is P and this is C. Okay. So this is the radius of curvature. Okay. So then you can write here that F, PF is F and PC, PC is R. So this is R by 2, right? So this is our desired result. The relation between the focal length and the radius of curvature in case of convex mirror. So but we have seen over here, humne ye dekha tha, for the convex mirror and for the concave mirror, we have the same relation between the focal length and the focal length and the radius of curvature. This is all about this video. Thank you very much.